Hi friends, this is Shubham Kumar and you are watching me on its news channels. Today I am here to discuss about the Bihar flood. जी हाँ, मैं आज जो बातें करने वाला हूँ बिहार फ्लड के बारे में, तो सबसे पहले मैं अपने बिहारी भाइयों को नमस्कार करता हूँ और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें हेलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर योर सपोर्ट्स। तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है बिहार फ्लड, तो एजुकेशन तो नहीं है, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। एंजॉयमेंट तो नहीं, बट थोड़ा प्रॉब्लम है बॉस, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। पहली बात कि 4 दिनों की बारिश और बिहार पूरी तरह से पानी से भरा हुआ। कहते हैं आग और पानी और हवा अगर अपना प्रचंड रूप धारण कर ले तो हमारे किसी भी चीज को बर्बाद करने की ताकत उसमें होती है, और इस बार पानी ने भी अपना प्रचंड रूप धारण किया और कई लोग हेल्प कर रहे हैं। इवन हमारे बिहार में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुड़ी हुई है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अदर स्टेट्स जैसे हैं, महाराष्ट्र हो गए, केरल हो गए, कर्नाटक हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ बारिश हो जाती है और बाढ़ फ्लड की मतलब परिस्थिति आ जाती है, फ्लड का कंडीशन हो जाता है। तो कई बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जो वीडियोस बनाती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं फॉर देयर डोनेशन फॉर हेल्पिंग, दे प्रमोट दैट स्टेट्स टू गेट हेल्प from other states and even from them and they help them, but they do not help Biharis. Why? सबसे बड़ा question mark ये है कि अगर कुछ भी होता है तो वो मतलब आप advertisement करते हो, promote करते हो कि आप उसे help करो, ठीक है हम help करने के लिए तैयार हैं क्योंकि दुनिया इंसानियत पर टिकी हुई है, but आज हमारे बिहार को भी ज़रूरत है। और जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मैंने कल एडवर्टीजमेंट देखा, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज थे, एक्ट्रेस थे, एक्ट्रेस तो मैं मुझे याद नहीं है कि कौन थे, बट हीरो बहुत सारे मैंने देखे, एक्टर्स जो बड़े बड़े थे, तो वो लोग मतलब महाराष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप टीवी सीरियल्स के हो या फिर फिल्मी दुनिया के हो, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ support for Bihar, help for Bihar, because we need now this time, we are facing a very big disaster, we all Bihar, because जो भी है हमारे पास खाने को भी problem है, आप समझ सकते हो बिहार में, जो बड़े लोग हैं घर में रह रहे हैं, मैं भी घर में हूँ, चलो मुझे कोई problem नहीं है, but जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, जो जिनके घरों में आधा कमर तक पानी है, इवन जो रोड पर पानी है, आप प्लीज़ उन लोगों को हेल्प करो, उन्हें सपोर्ट करो। और रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप अदर स्टेट्स के लिए हेल्प मांगते हो, प्लीज़ 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 आप इस स्टेट के लिए भी हेल्प मांगो। मैं ये नहीं कहता कि आप क्या सोचते हो बिहार के बारे में, बट प्लीज़ don't do any racism with us because we all are equal, because we live in India and for India every state is equal, chahe wo kuch bhi ho, aur agar aap Bihar ko thoda help karte ho aapki help se to hame bahut khushi hogi, aur even aap jo bhi kar rahe ho best hai। kal mere ek bhai ka video maine Instagram pe dekha, usne bola कि अगर मतलब अदर स्टेट में बारिश आ जाए तो बड़े बड़े लोग जो हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं, डोनेशन के लिए हेल्प के वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर एक बार भी बिहार में आ जाए तो वो कोई हेल्प नहीं मांगते। बिल्कुल उस भाई ने मेरी बात सही कही, और कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ता है बिहार को लेकर। बट मेरा रिक्वेस्ट है, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो मेरा वीडियो सभी लोगों तक जाएगा, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब ज़्यादा मत करो। मैं ये नहीं कहता, मैंने खुद भी ज़्यादा नहीं किया, मैंने पेटीएम के थ्रू बस वो क्या कहते हैं 20 रुपये किए। अब लोग आप सोच लोगे अरे 20 रुपये किया उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, बट एक चीज़ याद रखो, हमारे इंडिया में अगर बहुत सारे लोग हैं, इवन बिहार की जनसंख्या है, अगर 20-20 रुपये या 10 रुपये भी कर दो ना, तो बिहार गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी हमारे हेल्प के लिए, फ्लड प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हो, इवन आप एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, जो भी हो, चाहे आप टीवी सीरियल से हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से हो,
हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर प्रेस डिपार्टमेंट हो, हाँ मीडिया माइक लेकर खड़ी तो रहती है, बट पता नहीं वो हमें कितना सपोर्ट करती है। वो शायद बस हमारे प्रॉब्लम्स को हमारे लीडर्स तक पहुंचाती है, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाती है। वो बहुत बड़ी हेल्प करती है क्योंकि मीडिया का हेल्प होता है। वो भी वो पानी में खड़े हो ना, जहाँ उन्हें पानी में जाना होता है, कहीं तार गिरा है क्या हुआ, वो भी अपनी जान पर खेल कर जा रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा हेल्प है उनकी तरफ से। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप इकोनॉमिकली भी हमारे बिहार को हेल्प करो तो बहुत बड़ी बात होगी, और हमारा बिहार इस प्रॉब्लम से जो अभी जूझ रहा है, जो मतलब प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, उसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। तो मैं आई होप कि यू विल हेल्प फॉर अस ड्यूरिंग दिस फॉर रिगार्डिंग बिहार फ्लड, बिकॉज 4 दिनों की बारिश, और 4 दिनों की बारिश में झूम बराबर झूम शराबी वाली बारिश हो गई, कमर तक पानी आ गया, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, थोड़ा टाइम निकालो कुछ सेकेंड्स, और अगर आपके पास एबिलिटी है, मैं नहीं कहता कि फोर्सफुली आप हेल्प करो हमें, फुली मतलब जरूरी है कि हेल्प करो ही करो, अगर आपके पास थोड़ी भी एबिलिटी है, आप कोई जरूरी नहीं कि मतलब पैसे से ही हेल्प करो, आप इवन चाहो तो चावल दे सकते हो, खाने वाने की चीजें दे सकते हो, दूध दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, ये सभी चीजें देकर गरीब लोगों की हेल्प करो, उन्हें बहुत जरूरी है, वो बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो प्लीज 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 हेल्प करो, और यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज आप बिहार को लेकर थोड़ा हेल्प को थोड़ा मतलब जागरूक होएं, और अभी जो प्रॉब्लम है उसमें हमारी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।